गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। हम फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में स्टडी कर चुके हैं, अब आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज 1963 टू 1971। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सो जो पीरियड है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, वो 1963 से 1971 में आया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एक इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। अ सिंगल आईसी हैड मैनी ट्रांजिस्टर्स रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। यही सिंगल आईसी में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स थे, रेसिस्टर्स थे और कैपेसिटर्स थे। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में भी छोटे थे, बहुत ज़्यादा रिलायबल थे और इफ़िशेंट थे। जितना यूज़ चाहिए था उतनी इफ़िशेंसी इसमें थी। इस जनरेशन कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या है हम वो देखेंगे। दे यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट एज प्रोसेसर। वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को प्रोसेसर की तरह यूज़ करते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट इंक्रीज द स्पीड एंड इफ़िशेंसी ऑफ कंप्यूटर। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे उनकी स्पीड इफ़िशेंसी अच्छी थी। इनपुट कुड बी गिवन थ्रू कीबोर्ड्स के थ्रू इनपुट दिया जाता था। कंप्यूटर बिकम स्मॉलर एंड चीपर देन देयर अर्ली काउंटर पार्ट्स। पहले के कंपैरिजन में अभी के जो कंप्यूटर पार्ट्स थे वो छोटे और चीपर आने लगे थे। दे यूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलाउड टू रन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया करते थे जिसमें एक ही साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स रन किए जा सकते थे। दे वर लेस एक्सपेंसिव। वो लेस एक्सपेंसिव थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में। दे वर मोर एक्यूरेट एंड फास्टर देन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत एक्यूरेट और फास्ट वर्क करते थे और इनके आंसर्स करेक्ट आते थे। एग्जाम्पल IBM 370, ICL 1900 एंड PDP। The concept of integrated circuits made a major breakthrough to improve the performance of the computer. जो concept आया था integrated circuit का, वो किस पे based था कि जो computer की performance है उसको कैसे improve किया जाता है। Fourth generation computers। Fourth generation computer के जो period था जिस time में ये आया था वो था 1971 to 1980। The fourth generation computer is marked by the use of very large scale integration circuit। जैसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिए था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स। अब ये जो VLSI सर्किट था उसमें 5000 ट्रांजिस्टर्स और काफ़ी सारे एलिमेंट यूज़ किए जाते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल थी, कॉम्पैक्ट थी, रिलायबल और एफोर्डेबल थी। हर कोई इस जनरेशन के कंप्यूटर एफोर्ड कर सकता था। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम व यूज़, ये वाले सिस्टम्स यूज़ किए जाते थे। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं। दे यूज माइक्रो प्रोसेसर्स एज प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते थे प्रोसेसर की तरह। थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट अपॉन अ सिंगल सिलिकॉन चिप कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। थाउजेंड से भी ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे बनाया जाता था जिसे बोलते थे माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर्स बिकम मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटीज़। कंप्यूटर और एडवांस हुए किसकी टर्म्स पे, प्रोसेसिंग जैसे वर्क करते थे और उनकी मेमोरी कैपेसिटी के बेसिस पे। दीज कंप्यूटर्स आर चीपर एंड फास्टर। ये कंप्यूटर बहुत चीपर थे और फास्ट वर्क करते थे। दे आर ईजी टू हैंडल। उसे अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। लैंग्वेज जैसे कि SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सी, C++, जावा एक्सेट्रा वर डेवलप फॉर दिस जनरेशन। इस जनरेशन के लिए ऑपरेट किए गए। एग्जांपल्स IBM 4300, ICL 2900, Intel 4004, Apple एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ माइक्रो प्रोसेसर की तरह। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सर्किट कंटेनिंग द एंटायर CPU ऑन सिलिकॉन चिप। माइक्रो प्रोसेसर एक वो सर्किट है जो पूरे एंटायर CPU में, पूरे CPU में सिलिकॉन चिप्स की तरह लगी हुई है। माइक्रो प्रोसेसर वॉज मेड टू बी यूज इन कैलकुलेटर्स नॉट इन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को कैलकुलेटर की तरह यूज़ किया गया ना कि कंप्यूटर में। हाउएवर इट लीड्स टू द इन्वेंशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स और द माइक्रो कंप्यूटर।
In today's world, Pentium series is considered to be one of the most powerful microprocessor developed by the Intel Corporation USA. अब क्या है जो कंप्यूटर है और ये माइक्रो कंप्यूटर, उसका इन्वेंशन हुआ हमारे पर्सनल कंप्यूटर के लिए। आजकल पेंटियम सीरीज़ को कंसिडर किया जाता है बहुत ही पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो डेवलप की गई है इंटेल कॉरपोरेशन यूएसए के थ्रू। फिर है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ 1980 से आज तक के लिए। जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो VLSI टेक्नोलॉजी थी वो बन गई ULSI, मींस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इस जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग हुई हार्डवेयर की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की, दोनों पैरेलली चल रहे थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो मेन इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल कंपोनेंट की तरह यूज़ किया गया। ये कंप्यूटर KIPS पर वर्क करते थे, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। दिस कंप्यूटर हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ट्रिमेंडियस स्पीड होती है इसकी, बहुत फास्ट स्पीड, और ये जो होते हैं हाईली कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो बेस्ड थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ये अभी तक डेवलप हो रहे हैं, इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही है जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन, डेटा बीइंग यूज्ड टुडे जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज़ हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। अब जो पैरेलल प्रोसेसिंग की और सुपर कंडक्टर पैरेलली यूज़ कर रहे हैं वो हेल्प करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियलिटी में यूज़ करने के लिए। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का रोल था, जो गोल है, वो ये था कि वो काफ़ी सारे डिवाइसेस को डेवलप कर सके और नेचुरल लैंग्वेज इनपुट दे सके और सेल्फ लर्निंग और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी उनमें अच्छी हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू मेक कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह कंप्यूटर बनाया गया है, इस तरह फ्रेम किया है कि वो ह्यूमन की तरह वर्क कर सके। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज कॉइन्ड इन 1956 बाय जॉन मैककार्टी एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो टर्म थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे 1956 में जॉन मैककार्टी ने बनाया, जो किस इंस्टीट्यूट में वर्क करते थे? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या होती है? गेम्स प्लेइंग, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर टू प्ले गेम्स सच एज चेस एंड चेकर्स। गेम्स प्लेइंग होते हैं जैसे कि प्रोग्राम जो प्ले गेम्स खेल सकते हैं चेस और चेकर्स। न्यूरल नेटवर्क्स, systems that stimulate intelligence by attempting to reproduce the type of physical connection that occur in animal brain. वो systems जो reproduce कर सके physically connection हो animals brain के साथ। Robotics, programming computer to see, hear and react to other sensory stimuli. Program computer को ऐसे program करना कि वो देख सके, सुन सके दूसरे sensory stimuli को। So now your chapter is complete.